ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। अर्जु के ताना बाना में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको मेरा नाम जो बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे बोलने में भी अच्छा लगता है, अर्जु का ताना बाना। तो बहुत सारे लोग को कहते हैं कि आपके नाम बहुत अच्छे लगते हैं, तो जी हाँ, मैंने इसीलिए रखा है कि ताकि आप सबको अच्छा भी लगे ये नाम। तो आपको मैंने अपने घर की पूरी वीडियो दिखाई, जो कि पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है, और उसकी वजह रही है मेरे हस्बैंड बासित, जो कि उन्हें जाना था और उनके कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो वो सबके ढूंढने के चक्कर में मैंने पूरा घर, पूरा कबर्ड और पूरा अपना बेड के अंदर के सब पुराने ज़माने के कपड़े सब कुछ निकाल डाला था उस दिन। अब इतना ज़्यादा मेसी हो गया था कि उनके जाने के बाद मैं 3 दिन में घर की साफ़ सफाई करती रही, और जब घर की साफ़ सफाई करने लगो तो फिर एक के बाद एक और गंदा लगने लगता है। तो हम और हमारी बेटी जो कि आपको दिख रही, वो भी नहा करके आई है, मैं भी नहा करके अभी आई हूँ। मैंने अभी अपने बाल ड्राई नहीं किए हैं, मैंने कहा कि पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ, उसके बाद जा कर के मुझे जो काम है मैं कर लूँगी। तो हम लोगों ने सब ने मिल कर के पूरी घर की जम के साफ़ सफाई की, और माशाल्लाह से आप घर एकदम क्लीन हो गया हमारा, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। तो सब कुछ मैंने रख दिया बासित के कबर्ड में, उनके कपड़े, बच्चों के कपड़े, सब कुछ एकदम सेटलमेंट कर दिया। और जैसा कि वेदर भी चेंज हो रहा है, तो इसी बहाने वो सब भी कपड़े निकाल लिए, और निकाल के मैंने उसे भी अच्छे से वॉश वॉश करके सब कुछ अच्छे से कर लिया। तो चलिए, एक काम करने जाओ तो उसके साथ साथ 4 काम और अच्छे भी हो जाते हैं। उस दिन ज़रूर थोड़ा सा मेरा काम बढ़ गया था, लेकिन उसी बहाने मेरे और भी अच्छे काम हो गए। तो वो सब हो गया, बासित अपना शादी इंजॉय करने चले गए, हम लोग भी 2 से 3 दिन अपने घर के काम किए। और आज जाकर के जब मैं फ्री हुई, तो आज ज़्यादा काम नहीं था मेरे पास, और मैंने अपनी साफ़ सफाई की वीडियो नहीं अपलोड की। इसकी वजह थी कि जब साफ़ सफाई करो तो फिर किस तरीके से है, क्या है, शक्ल सूरत की बात नहीं है, ड्रेसिंग भी अपना फ्री होकर के थोड़ा सा साफ़ सफाई करते आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने क्लीन करने के बाद आपको अपना घर पूरा दिखाया है। और ये मत कहिएगा कि आपने नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने ही, हमने, हमारी बेटी, सब लोगों ने मिलकर के ऐसा किया है घर के काम। हम कोई भी किसी की हेल्प नहीं लेते, ना ही कोई हेल्पर रखे हैं। मैं अपने घर का काम मैं खुद से करती हूँ, और उसके बाद जब टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ भी आपको टाइम देती हूँ। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि क्या ये दिन भर वीडियो बनाती हैं या फिर रील बनाती हैं, इंस्टा बनाती हैं, वो तो सेकेंडरी है, वो मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन फर्स्ट मेरा जो काम है, मेरा फ़र्ज़ है अपने घर का काम करना, वो मैं खुद से करती हूँ। मेरी बेटी, हम दोनों सब मिल करके अपने घर का काम करते हैं, उसके बाद अपने टाइम को निकालते हैं, और निकाल करके आपको भी इंटरटेन करते हैं। तो प्लीज़ आप सब भी हमको उतने ही सपोर्ट कीजिए, तो अच्छा लगेगा कि हम आपके लिए इतना टाइम निकालते हैं। तो कम से कम आपका भी प्यार मुझे थोड़ा बहुत चाहिए, जो कि आप देते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है। मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, जितना मिलता है अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छा है। बस प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें इजाफा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो वैसे ही है। तो आज मैं स्पेशल वीडियो जो बना रही हूँ, वो तो साफ़ सफाई की थी, वो तो अपना हो गया। अभी आज मैं आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर करना चाहती थी, जिसके लिए मैं ये वीडियो भी बना रही थी। तो मैंने वो सारी प्रिपरेशन कर ली है कि ताकि लेट ना हो, लंबी वीडियो ना हो, तो मैंने सारी प्रिपरेशन पहले से करके रख ली थी, मेरे सारे काम हो गए हैं। तो वो रेसिपी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं सब कुछ करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो वो रेसिपी जो है ख़ास तौर से मेरे उस व्यूवर्स के लिए, जो कि जब मैंने यूट्यूब फर्स्ट टाइम, मतलब मेरी वीडियो आई थी उस टाइम पे, उन्होंने मुझे एक कमेंट किया था कि आप मुझे एक पनीर की रेसिपी बताइएगा। तो मैंने बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को पढ़ा था, बट ऐसा काम के चक्कर में मैंने उनको रिप्लाई दिया था कि मैं बनाऊँगी, और मैं सच में सॉरी आपसे कि मेरे माइंड से बिल्कुल वो स्किप हो गया था। मैं सोची थी कि बाद में बनाऊँगी, और उस वजह से वो स्किप हो गया मेरे माइंड से। लेकिन फिर जब
मेरी एक वीडियो में मैंने वो पनीर की पनीर लाए थे, वो अपने ग्रॉसरी के सामान में मैंने पनीर दिखाया था, तो उन्होंने मुझे फिर से वो चीज़ याद दिलाई कि आपको मैंने बोला था कि मुझे एक पनीर की रेसिपी बता दिखाने के लिए, तो मैंने आज खास ये वीडियो उनके लिए ये रेसिपी जा रही हूँ बनाने के लिए और आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहती थी और उनके लिए ख़ास तौर से ये रेसिपी है और मैं बनाने जा रही हूँ, तो आप सब भी देखिएगा आपको कैसी लगेगी वो भी बताइएगा। और उनके लिए तो है ही है, आपके लिए भी उतनी ही है वो रेसिपी। तो फिर वीडियो को लंबी ना करें और सीधा हम चलते हैं किचन में और चल के वो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, आप भी देखिए कैसी लगेगी और आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वो व्यूवर्स जो हमारे हैं वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे फिर से याद दिलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत। तो फिर चलिए हमारे साथ आप सीधा किचन में ही और मैं बताती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिली। मेरे लिए मैं कई बार बना चुकी हूँ लेकिन आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी पनीर चिली की रेसिपी। तो चलिए मैं पनीर रेसिपी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है और इस तरीके से मैंने इसको काट के रखा है लंबे लंबे, ये चिली बनाने के लिए इस तरीके के ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये शेप में ही काटा है। और इसमें मैं ऐड करूँगी लाल मिर्ची पाउडर, नमक 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर, मैदा बॉन्डिंग के लिए बहुत लाइट सा, 1 एग, 1 लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत लाइट सा, ये भी जाएगा। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। और मैंने एक साइड में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई यहाँ पे फ्राई पैन में तेल ले लिया है, जो ऑयल बचा हुआ था पनीर तलने के लिए वही तेल मैंने लिया है। और इसके अंदर मैंने 2-3 लहसुन को काट करके डाल दिया है, वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। उसके बाद मैं इसके अंदर अनियन ऐड कर दूंगी और शिमला मिर्च, जो कि आप साइज़ देख सकते हैं कि जैसा पनीर चिली में लोग डालते हैं मैंने वैसे ही सेम कट किया हुआ है, आप भी उतना ही कट कर लीजिएगा। और मैं इसको डाल करके बस हल्का से इसको रोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है आपको, और अच्छे से इसको मिला लीजिए। और आप सोच रहे कि मैं यहाँ पे क्यों वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसकी वजह है कि मेरे घर में काफ़ी शोर हो रहा था तो आपको अच्छे से आवाज़ नहीं आती, तो मैंने यहाँ से वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए फिर इसके आगे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 2-3 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी काट करके, और थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए होता है इसमें, तो मैंने 2-3 हरी मिर्ची ली है, ज़्यादा नहीं ली है। फिर इसके बाद मैं इसको हल्का सा बनाने के बाद मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी, वो भी आपके पास हो तो आप डालिए वरना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया। फिर इसको मिक्स करने के बाद मैं सीधा इसके अंदर टोमेटो केचप डालूंगी और इसके बाद ग्रीन चिली मैं ऐड करूंगी, फिर सोया सॉस ऐड करूंगी और विनेगर, ये सबको मैं एक साथ डालूंगी, डाल करके अच्छे से इसको मिला लेंगे और बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, नहीं तो अनियन गलने लगेगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और लास्ट में मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, पहले से ऐड नहीं करना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्प्रिंग अनियन है तो मैंने उसको भी डाल दिया है। फिर उसके बाद मैं सीधा इसके अंदर पनीर डालूँगी और डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसे पकाना नहीं है ज़्यादा। इसको मिक्स करने के बाद आप इंजॉय कीजिए, सर्व कीजिए और गरम गरम खाइए। और मैंने जब चिली बनाया था पनीर चिली, तो इसके साथ मैं हमेशा जो है पराठे बनाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लच्छे पराठे बना करके रखे हुए थे और अभी गरम गरम मैं बना रही हूँ और अब बच्चों को मैं देने जा रही हूँ खाना, और आप भी आइए हमारे साथ खाना एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड मेरा ये पनीर चिली रेडी हो गया है और ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये है सिद्रा की फ्रेंड जो आई है मेरी हेल्प करने के लिए। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा सा टाइम था तो मैंने अपनी रील के लिए इनको, ये आई है मेरी हेल्प करने के लिए। सिद्रा की फ्रेंड बहुत अच्छी रील बनाती है तो मैंने कहा कि चलो आज आ जाओ मेरी हेल्प करने के लिए, तो बस ये आई है हमारी हेल्प करने और ये लोग खाना खा करके उसके बाद मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपनी रील बनाने के लिए और वहाँ पे मैं आपसे मिलूँगी। तो
फ्रेंड, हम लोग का काम हो गया, खाना पानी हो गया, और कैसी लगी रेसिपी वो भी ज़रूर बताइएगा आप लोग। और हम अपने काम पे आ गए हैं नीचे पार्किंग में अपने सोसाइटी के, और अपनी रील बनाने के लिए, जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो उसके लिए चली गई। हाँ, और इनकी फ्रेंड आई थी काफ़ी देर से, उसको थोड़ा सा लेट हो रहा था, उनके घर से कुछ अर्जेंट काम भी था तो इसकी वजह से उसे जाना पड़ा। पर कोई बात नहीं, आज हम लोग माँ बेटी अकेले मिल के अपनी हेल्प करेंगे और करेंगे, बनाते हैं अपनी शॉर्ट वीडियो, देखते हैं दो चार जो भी बना पाएंगे, टाइम है अभी। और अनाबिया इब्राहिम अपने अरबी को चले गए थे तो हम लोग अकेले थे घर में, तो हम लोग ने कहा कि चल के अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, आज मौका भी था। और आप लोग बिहाइंड द सीन भी देखिएगा रील्स, और बिहाइंड द सीन देखिएगा, इस रील को आप इंस्टा पे जाकर के देखिएगा, आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने अपने काम में लगते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगी और लेट भी हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। शाम हो गई है, मगरिब का टाइम हो रहा है, बच्चे भी यार आ गए। चलो भाई चलो, क्या हुआ, टायर्ड हो गया। मेरा बड़ी जल्दी हो जाता है। हाँ, ठंडी का दिन है ना, उसमें बहुत जल्दी शाम हो जाती है। तो फिर आपको कैसी लगी हमारी ये रील, और रील तो आपने अभी देखी नहीं है, वो उसके लिए आपको इंस्टा पे जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, हाँ लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाइएगा देखिएगा आपको कैसी लगेगी। मैंने तो बहुत ही अच्छी अच्छी रील बनाई है, तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर जाइएगा और मुझे उस पर भी फॉलो कीजिए, आपको भी अच्छी लगेगी। तो फिर यही सब था आपको जो भी मैंने दिखाया, देखा आपने रेसिपी देखी और मेरा बिहाइंड द सीन देखा रील का। तो ये सब काम मेरे चलते रहते हैं, ऐसी हमारी लाइफ है, हम सब यूट्यूबर जो हैं जो ऐसे ही बिजी होते हैं, यही सब रहता है कुछ ना कुछ, जिस दिन हम लोग फ्री होते हैं, जिस दिन हम लोग को टाइम मिलता है तो हम सब ये सब छोटे मोटे काम करते ही रहते हैं, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, और इसको तो नींद भी आने लग गई। तो ये वीडियो आपको शायद एक या दो दिन के बाद मिलेगी, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, खाना भी अच्छा खाया, घर के भी काम किए, नहाना धोना, और रील में भी बहुत इंजॉय किया हम सब ने। तो फिर चलिए, फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ आपसे मिलूँगी। आप सब हमको ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और मेरे चैनल को हमेशा ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।